सर सुप्रीम कोर्ट के वकील कब आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील कल या परसों आएंगे भारी तादाद में। न्याय मिलेगा सर सुप्रीम कोर्ट? 100% न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड है न्याय 100% मिलेगा। अरे भाई हम जब अपने सुप्रीम कोर्ट की बार में टीवी पे देखते थे बच्चे पदक जीत रहे हैं और जब देखते थे प्राइम मिनिस्टर भी बैठ के बातें कर रहे हैं सारा देश खुश था। तो क्या मान लिया जाए कि आज बीजेपी अंबेडकर के कदमों पर नहीं चल रही है? बीजेपी काहे के अंबेडकर के कदमों पर चल रही है? बिल्कुल खिलाफ चल रही है बीजेपी। तो बीजेपी तो अंबेडकर को पसंद ही नहीं करती। लोकतंत्र की हत्या है 100%। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको कहते हैं हम शासन। शासन का मतलब ये होता है जहाँ लोगों को विभाजन करके बांट के जाति में धर्म में गरीब में अमीर में और कुछ परसेंट वोट लेके सत्ता में बैठने का जुगाड़ है उसका नाम है शासन। लोकतंत्र वो होता है, लोकतंत्र वो होता है चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो नेता चुनने का, एक बार बना दिया तो उसको 100% लोगों की भागीदारी करनी है, 100% लोगों की बात करनी है, उसका नाम है लोकतंत्र। यहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा संसद के अंदर ही राज्यसभा में लोकसभा में एमपीओ का तौर तरीका क्या है। मेरे को तो सारे गुंडे लगते हैं ज़्यादातर, बोलने की तमीज़ उनको नहीं, बोलने की तहजीब उनको नहीं, सारे झूठे एफिडेविट देते हैं, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा करते हैं। हम तो मांग करेंगे यहाँ पे आके कि हर एमपी का एफिडेविट नहीं चलेगा अब देश में। सुनो, हर एफिडेविट नहीं चलेगा देश में अब कि मैंने इतना खर्चा किया। उनको झूठ पकड़ने वाली मशीन पर लिटाएंगे तो एमपी बनेगा वो, वरना नहीं बनेगा। तो देखना इस देश का प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री सबकी सदस्यता भंग हो सकती है इस देश में। ये देश को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलने नहीं देना चाहते। ये क्या चरित्र बनवाएंगे हमारे युवाओं का जब इस तरह के काम करें? युवाओं में क्या मैसेज जाएगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है? 100% आप देख लीजिए, बिल्कुल ये अस्मिता बिल्कुल महफूज नहीं है। लुटियन जो उनको हम कहते हैं, इनकी गिद्ध दृष्टि होती है, जो इसके पास भी पावर होती है वो होती है लोगों के लिए, ये उसका मिसयूज करते हैं। ज्यादातर नेता इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं अगर जांच हो तो इस देश में। इसको जाति और धर्म के जो मुद्दे में ये फंसने वाला नहीं है, फंसाने की कोशिश है इस देश का युवा। बीजेपी यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है, आपने जांच की बात की फिर भी जांच नहीं होती है। जांच को कैसे होगी जब गृह मंत्री जांच नहीं होने देगा? पुलिस की क्या औकात है? पुलिस कमिश्नर की क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। ये कोई सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर नहीं है, ये कोई टीएन सेशन जैसे पुलिस कमिश्नर नहीं है कि जिनकी वजह से पूरा संस्था देश की नज़रों में अच्छी हो जाती है। आदमी वो चीज़ है जो संस्था को खत्म कर देते हैं और जो जनता संस्था को सुशोभित करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, तो क्या इससे लगता है कि उनको ईडी सीबीआई की पहली जांच तो हमारे देश के इन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन में जो खर्चे के, इनकी जांच सबसे पहले होनी चाहिए, फिर पूरा देश तैयार है, ये जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। सत्यपाल मलिक ने जो बोला सर, आपको लगता है कि एकदम सही बोला है जो उन्होंने भ्रष्टाचार का भी कहा कि 100% इसमें कोई गुंजाइश है क्या? आप पूछो अपने दिलों से, बात सुनो, सबूत जब दिए जाते हैं, जब झूठ हो, सच्चाई जब होती है पूरे देश की जनता के दिल में टच करती है। आज वो टच बोलना चाहिए था, आप तो मुंह खोल रहे हैं जब बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, ये अमित शाह बोल रहे हैं। अब पहले बोलना चाहिए था। अरे आप मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों की बता रहा हूँ, सारे चैनलों के पत्रकार वहाँ बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई इसे एक प्रोग्राम के लिए। बोले सर हम बंधुआ मजदूर हैं, हम बोल नहीं पाते, आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमने राइट टू एक्सप्रेशन का प्रोग्राम किया था सुप्रीम कोर्ट में, हम आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मन है, मगर हमें तो ये भी चैनल से पूछना पड़ेगा, हम बंधुआ मजदूर हैं। मैंने कहा असली में बंधुआ मजदूर हो? यूनानी मसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पत्रकार देखा जाएगा हर जगह, तो देश तो खत्म ही हो रहा है। कैसे खत्म होगा? क्योंकि मीडिया पर दबाव, एजेंसियों पर दबाव, यहाँ पर हर जगह दबाव रहेगा तो देश तो फिर खत्म ही है। ये दबाव फ्रांस में था, फ्रांस क्रांति हुई, ये दबाव रूस में था, रूस में क्रांति हुई, ये दबाव इस देश में होगा? यहाँ के बेवकूफ़ है क्या लोग? ये भी करेंगे, ये अपने लोगों पर विश्वास करते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री इन सब पे विश्वास करते हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं। सर एक सवाल उठाया जाता है हमेशा से चुनाव आयोग पर, ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग भी जो है कहीं ना कहीं आप बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इससे आप सहमत हैं? सारी संस्थाएं ली गई हैं और सारी सरकारें ज़्यादातर पार्टियों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, इस बार इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सर बीजेपी को कैसे उखाड़ेंगे अगर तमाम चीज़ें उनके दबाव में काम करें, तमाम संस्थान उनके दबाव में काम कर रही है, तो बीजेपी को उखाड़ नहीं पाएंगे? जब जनता को फीलिंग पहुँचेगी अन्याय की, सब कुछ उखड़ जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। मैं और आप दो आदमियों से करने से कुछ नहीं होगा, ये देश की फीलिंग ऐसी चीज़ है जो पहुंच जाती है। बहुत सारी बातें हम छुपाते हैं, छुपाने से बात नहीं चलती, चेहरा मुंह से भी ज़्यादा बोलता है। सर भाई जो एफआईआर हुई है, क्या कोई लिमिट होनी चाहिए कि कितने दिन में, मतलब जिनके आरोप लगाएं? ये कुछ नहीं है, ये
इस शरण के साथ में, शरण की शरण में जाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो लड़कियां इन्होंने ये दीपेंद्र हुड्डा को WI पर अगला अध्यक्ष बनाना चाहती है इस वजह से। अरे चोर तो जब चोरी करके भीड़ में घुसता है, जब लोग उसके पीछे लगते हैं, वो भी कहता है चोर 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 पीछा छुटाने के लिए, क्या दीपेंद्र हुड्डा करेगा इसमें? क्या नहीं नहीं नाम भी सामने आ रहा है, विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर का भी नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ कहेंगे कि क्या पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता मलिक साहब जी।